दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई एक्टर्स, कई डायरेक्टर्स, कई अदाकाराएं ऐसी होती हैं जो कि अपने कुछ पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स की वजह से बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर देते हैं और ऐसे में फिल्म पर भी आकर बात अड़ जाती है, फिल्म की शूटिंग टल जाती है या तो हाथापाई में भी बात उतर जाती है। ऐसा ही किस्सा हो चुका है फिल्म विधाता के दौरान। बता दें कि विधाता फिल्म है सुभाष घई की, ये एक मल्टी स्टारर फिल्म रही है। इसमें काफी बड़े बड़े कलाकार नजर आए और ऐसे में एक कलाकार की डिमांड ये थी कि फिल्म के अंदर संजय दत्त को भी लेकर आ जाए। सुभाष भी बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसके पीछे की वजह ये थी कि संजय दत्त पूरी तरह से ड्रग्स में डूबे रहते थे, शराब में डूबे रहते थे। उनका उस वक्त बहुत ही ज्यादा बुरा दौर चल रहा था। संजय दत्त को काम तो करना था, आगे बढ़ना भी था, ऐसे में कुछ लोग उनकी मदद कर रहे थे। सुभाष घई ने यहाँ पर संजय की हालत को देखते हुए फिल्म के अंदर काम भी दे दिया अपने रिस्क पर। लेकिन प्रोड्यूसर इस बात से खुश नहीं हुए और उनकी नाराजगी तब ज्यादा बढ़ गई जब फिल्म की अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ संजय दत्त ने बहुत ही ज्यादा बुरी हरकत कर दी। दरअसल शराब में डूबे रहने वाले और ड्रग्स में डूबे रहने वाले संजय दत्त जब फिल्म के अंदर पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ एक रोमांटिक सीन कर रहे थे, फिल्म के अंदर उन्हें हग करना था और ऐसे में इस सीन को शूट करते टाइम अपनी हद को भूल बैठे थे संजय दत्त। पद्मिनी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और संजय को धक्का देते हुए फटाफट वो चली गई अपने वैनिटी वैन में। यहाँ पर बात ही चल रही थी उस वक्त, पद्मिनी ने सीधा कंप्लेंट कर दी सुभाष का ही तो साथ ही प्रोड्यूसर्स को भी। प्रोड्यूसर्स ने जम के क्लास ले ली सुभाष कहे के। सुभाष ने कहा कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संजय को मैं समझा कर रखूंगा, आगे से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सभी के सामने। लेकिन फिर इस सीन को शूट किया गया, पद्मिनी ने फिर से हिम्मत दिखाई और फिर से वही हरकत हो गई क्योंकि संजय दत्त अपने ऊपर कंट्रोल रख ही नहीं पा रहे थे। वो इतना ज्यादा अल्कोहल में डूब चुके थे कि उन्हें नहीं पता था कि किस तरह से खुद पर कंट्रोल रखा जाए। पद्मिनी के साथ फिर ये हरकत होने पर यहाँ पद्मिनी का कोई एक्शन सामने आया ही नहीं था। इससे पहले एक्शन ले चुके थे सुभाष घई और सभी के सामने उसी वक्त सुभाष घई ने संजय को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। संजय से उस वक्त पूरी तरह से बिगड़ गई सुभाष घई की और उस वक्त फिल्म की शूटिंग रोक दी गई, जहां फिल्म को काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। लेकिन जहां संजय दत्त के साथ सुभाष घई का यह हादसा हुआ, एक वक्त ऐसा भी आ गया कि सुभाष घई को खुद एक थप्पड़ पड़ गया। ये थप्पड़ पड़ा था उन्हें सलमान खान से। बता दें कि हमेशा से ही इस बात पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा रहा है कि आखिर क्यों सलमान ने सुभाष घई को थप्पड़ मारा, जिसके पीछे की वजह आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। बता दें कि मड आइलैंड में सुभाष घई का एक बंगलो है। इस बंगलो में वो तब जाते हैं जब किसी फिल्म में वो किसी हीरोइन को काम देना चाहते हैं और इस हीरोइन के साथ वो पहुंच जाते हैं अपने उस आइलैंड में। ऐसे में सलमान खान इस बात को जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करते हुए अपने प्यार के लिए एक कदम उठा लिया। ये उनका प्यार था ऐश्वर्या राय के लिए। ऐश्वर्या राय को वो आगे बढ़ाना चाहते थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, जहां उन्होंने सुभाष घई से मुलाकात के साथ ही ये डिमांड सामने रख दी। कह दिया कि वो चाहते हैं कि ऐश्वर्या को सुभाष घई काम दे। सुभाष घई ने भी यहाँ पर सीधा ही बोल दिया ये कि ठीक है, मैं ऐश्वर्या को काम दे दूंगा, तुम अगले दिन मुझे ऐश्वर्या के साथ भेज दो मेरे मड आइलैंड वाले बंगलों में। ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई सलमान खान को। सलमान को ऐसा लगा कि दोस्ती की शायद कदर कर लेंगे सुभाष घई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ऐश्वर्या के बारे में जब सुभाष घई के मुंह से ये बात निकली तो सलमान बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उसी वक्त उन्होंने सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया। दोस्ती बहुत सालों तक खराब रही, लेकिन उसके बाद फिल्म युवराज के दौरान दोस्ती फिर से हुई, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने पर ये दोस्ती फिर से बिगड़ गई। लेकिन जहां बात की जाए ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो उन्हें कहा जाता है ब्यूटी विद ब्रेन। बता दें कि सुभाष घई सलमान के साथ ये किस्सा हो चुका था। उसके बाद कुछ ही वक्त में ये खबर आ गई कि ताल फिल्म में सुभाष घई के साथ काम कर रही हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, और ऐसे में एक तस्वीर देखी गई थी जहां सुभाष घई और ऐश्वर्या बहुत ही ज्यादा क्लोज नजर आए, और इतनी ज्यादा क्लोज ये तस्वीर थी जो बिल्कुल भी सलमान को बर्दाश्त नहीं थी। जब ये किस्सा हुआ तो उस वक्त सभी के सामने ये बात आ गई कि ऐश्वर्या ने अपने करियर पर ध्यान देने के लिए सेक्रीफाइस कर दिया है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया है सुभाष घई के साथ।
और तभी उन्हें ये फिल्म मिली है और इसी वजह से ब्यूटी विद ब्रेन का ट्रैक दे दिया जा चुका है ऐश्वर्या राय को आज तक। क्या कहना है इस बारे में आप सभी का कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाए।